सुप्रभात विद्यार्थियों, आज सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में सास सास में बास पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला पलक की पुस्तक निकाल लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 104 पर आ जाइए, पाठ 18 सास सास में बास। प्रस्तुत निबंध में बास के वृक्ष और उससे प्राप्त होने वाले बास तथा उसके उपयोगों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में बांस के वृक्ष और उससे प्राप्त होने वाले बांस तथा उसके उपयोगों के बारे में बताया गया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। एक जादूगर थे चंगकी चगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। तो बच्चों, जादूगर का क्या नाम था? जादूगर का नाम था चंगकी चगलनबा। चंगकी चगलनबा की कब्र खोदने पर वहां क्या मिली? चंगकी चगलनबा की कब्र खोदने पर वहां बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन मिली। लोगों ने उस डिज़ाइन की नकल करने की कोशिश की और कई नई डिज़ाइन भी लोगों ने बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहां हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। तो बच्चों, बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत मात्रा में पाई जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों में बांस बहुत उगता है और वहां पर बांस की चीज़ें बनाने का प्रचलन भी खूब है। सभी समुदायों का भरण पोषण करने में बांस का बहुत बड़ा हाथ है। यहां हम खास तौर पर जिस देश की बात करेंगे वह है उत्तर पूर्वी राज्य के नागालैंड की बात। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। कहाँ के निवासी? नागालैंड के निवासी, जो कि बांस की चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और आज भी वहाँ पर प्रचलन खूब है बांस की चीज़ों बनाने का। ठीक है बच्चों, इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो बच्चों, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब से आरंभ हुई होगी? बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब से आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की होगी। बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीज़ें बनाई। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बया जैसी एक चिड़िया है जिसके घोंसले को देखकर उसके आकार और बुनावट की तरकीब भी लोगों ने अपनाई है। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, रेलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो बच्चों, बांस से केवल टोकरी ही नहीं बनती बल्कि बांस की खपच्ची। खपच्ची मतलब, खपच्ची का अर्थ होता है बांस की पतली तीली, यानी बांस की पतली तीली से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, रेलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती है। तो बच्चों, असम में ऐसी ही एक जाल जकाई
क्या कहते हैं जाल को? जकाई। जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए कहाँ रखा जाता है जाल को? छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है, इस जाल को धीरे धीरे से चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा कैसा होता है? अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती है। इस तरह यह अनोखा जाल होता है जो अपनी खूबियों के कारण सभी को पसंद आता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरियाँ देखना न भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाओ यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियाँ तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। तो बच्चों, खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ बनाई जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा आसाम के चाय बागानों के चित्र, जिसमें लोग टोपियाँ पहने हुए दिखाई देते हैं और उनके पीठ पर टंगी हुई बांस की टोकरियाँ दिखाई देती है। यह सब किससे बनी होती है? बांस से बनी होती है। बांस की खपच्चियों से बनी हुई होती है। जुलाई से अक्टूबर तक घनघोर वर्षा का महीना होता है। इस समय लोगों के पास बहुत सारा समय होता है, तो वे क्या करते हैं? इस समय आसपास के जंगलों में जाते हैं और बांस इकट्ठा करते हैं। आमतौर पर वे वही बांस इकट्ठा करते हैं जो 3 साल की उम्र तक वाले बांस होते हैं। 3 साल की उम्र वाले बांस ही काटे जाते हैं, क्योंकि बूढ़े बांस जो होते हैं वह सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां क्या कर दी जाती है? अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है, यानी कि चौड़े चांद जैसी फल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियाँ तैयार की जाती है। किसे? बांस को छील कर इसे क्या की जाती है? इसे खपच्चियों में तैयार की जाती है। और खपच्चियों की जो लंबाई होती है वह पहले से ही तय कर ली जाती है। आसन यानी जिसे बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को किससे बनाया जाता है? बांस की खपच्चियों से बनाया जाता है। और ज़्यादातर उसी बांस को चुना जाता है जिसमें गठान कम होता है। टोकरियाँ बनाने के लिए ज़्यादा गठान वाली बांस का भी उपयोग किया जा सकता है। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्चियाँ बाएं हाथ में होती है और दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है।
तो बच्चों आमतौर पर खपच्चियों की जो चौड़ाई होती है वह 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी वाली जो खपच्चियाँ होती हैं, बांस की तीली जो होती है, यदि वह ज़्यादा चौड़ी होती है तो वे किसी काम की नहीं होती है। इसलिए उन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती है। पतली जो खपच्चियाँ होती हैं वह लचीली होती है, और इस खपच्चियों को चीरना उस्तादी का काम होता है। इस हुनर को पाने के लिए काफ़ी समय भी लगता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये व्यक्ति के हाथ में क्या है? इस व्यक्ति के हाथ में दाव है। क्या है बच्चों? दाव। इसे हम जो धारदार उसने चाकू की तरह ले रखी है उसे दाव कहते हैं। बच्चों टोकरी बनाने से पहले क्या किया जाता है? खपच्चियों को चिकना बनाया जाता है और फिर दाव का काम आता है। दाव, जैसे कि इस व्यक्ति के हाथ में दाव है, ये क्या कर रहा है? इस बांस की जो डंडी है उसे क्या कर रहा है? काट रहा है। दाव के साथ इसे काट रहा है। पहले से चिकना बनाया जाता है, फिर खपच्ची बाएं हाथ में होती है जैसे कि इस व्यक्ति के हाथ में है, और दाव का धारदार सिरा क्या करता है? इस खपच्ची को दबाए रखता है। तर्जनी यानी हमारा इंडेक्स फिंगर जो होता है वह क्या करता है? एकदम नीचे होती है। इंडेक्स फिंगर जो होती है वह एकदम नीचे होती है, और इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान क्या होता है? अंगूठा दांव को अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। इस तरह से खपच्ची एकदम क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है, और इस प्रक्रिया को दोहराई जाती है ताकि खपच्ची और चिकनी हो जाए। इसके बाद आती है खपच्चियों की रंगाई। रंगाई के लिए ज़्यादातर गुड़हल और इमली की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए क्या किया जाता है? काले रंग के लिए आम की छाल में लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी के नीचे दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इसके चैक का डिज़ाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के नीचे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है, या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। और हमारी टोकरी चाहो तो बेचो या घर पर ही काम ले लो। तो बच्चों बांस की बुनाई भी वैसी होती है जैसे कोई और बुनाई की जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, खपच्चियों को आड़ा तिरछा करके रखा जाता है, फिर बारी बारी क्या किया जाता है? ऊपर नीचे करके बुना जाता है। जैसा कि आप पलंग को बुनाई करते हुए देखते हो, वैसे ही टोकरियों की भी बुनाई की जाती है। इस तरह बांस से कई सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। टोकरी के सिरे की खपच्चियों को क्या किया जाता है? या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है, या कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। तो बच्चों इस तरह से टोकरियां तैयार होती हैं। चाहे तो हम उसे बाजार में जाकर बेच भी सकते हैं, या फिर उसे घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह आज हमने पार्ट 18 सास सास में बांस पार्ट पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आज शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।